नमो ब्रह्मण्य देवाय। आओ आओ। जी आप सभी काशी से आए हैं हमारे, अच्छा, स्वागत है आपका। कुछ मर्जी सुनाना चाहते थे आप? क्या सुनाना चाहते हैं? शुक्ल क्या वेद मंत्र? चारों वेद से महाराज जी आए हुए हैं काशी से, हम लोग आपको मंत्र सुनाने। अच्छा, तो फिर विराजो, आसन ग्रहण करो और अलग अलग सुना दीजिए। ऋग्वेद घन पाठ सुनाना चाहते। जी हरि ओम। गाथपोतिम् मेधपोतिम् मेधपोतिम् गाथपोतिम् गाथपोतिम् मेधपोतिम् रुद्रम् रुद्रम् मेधपोतिम् गाथपोतिम् गाथपोतिम् मेधपोतिम् रुद्रम् गाथपोतिमिति गाथपोतिम् मेधपोतिम् रुद्रम् रुद्रम् मेधपोतिम् मेधपोतिम् रुद्रञ्जलाशभेषजञ्जलाशभेषजं रुद्रं मेधपोतिं मेधपोतिं रुद्रञ्जलाशभेषजं मेधपोतिमिति मेधपोतिं रुद्रञ्जलाशभेषजञ्जलाशभेषजं रुद्रं रुद्रञ्जलाशभेषजं जलाशभेषजमिति जलाशभेषजम् तच्छय्योश्शय्योस्तत्तच्छय्योस्सुमनम् सुमनम् शय्योस्तत्तच्छय्योस्सुमनम् संयोस्सुमनम् सुमनम् संयोस्संयोस्सुम्नमीमह ईमहे सुमनम् संयोस्संयोस्सुम्नमीमहे संयोरिति संयोः सुम्नमीमह ईमहे सुम्नम् सुम्नमीमहे ईमह इति ईमहे यज्ञेन यज्ञै यज्ञै यज्ञेन यज्ञेन यज्ञम् यज्ञमो यजन्ता यजन्त यज्ञै यज्ञमो यजन्ता अयजन्त देवा देवा यजन्ता यजन्त देवाः देवास्तानि तानि देवा देवास्तानि तानि धर्माणि धर्माणि तानि तानि धर्माणि धर्माणि प्रथमानि प्रथमानि धर्माणि धर्माणि प्रथमानि प्रथमान्यासन्नासन् प्रथमानि प्रथमान्यासन्न आसन्नित्यासन्न ते हह ते ते हा हनाकं नाकं हहनाकं नाकं महिमानो महिमानो नाकन्नाकं महिमानाः महिमानः सचन्ता सचन्त महिमानो महिमानः सचन्ता सचन्त यतर यतर सचन्त सचन्त यतरा यत्र पूर्वे पूर्वे यत्र यत्र पूर्वे पूर्वे साध्या साध्या पूर्वे पूर्वे साध्याः साध्या सन्ति सन्ति साध्या साध्या सन्ति सन्ति देवा देवा सन्ति सन्ति देवाः देवा इति देवाः ओम। हरि ओम मा अशमनूर्जम पर्भाते शिश्रियाणामद्भ्या ओखाधिभ्यो वानस्पतिभ्यो अधिसंभृतं पायाः तान्न इखामूर्जन् धत्ता मारुताः सग्राराणा अश्मौस्ते क्षुन्मायिता ऊर्ग्यन् द्विखमस्तन्तेषु गृच्छतु इमा मे अग्न इष्टाका धेनवाः सन्त्वेका च दश च दश च शतं च शतं च सहस्रं च सहस्रं चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं
च प्रायूतं चार्बुदं चन्यर्बुदं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च पारार्थश्चैतामे अग्ना इष्टाकाधेनावाः संतवामुतरा मुखमिल्लोके रेतावस्था रेता व्रेधा रेतुष्ठास्था रेता व्रेधाः कृतश्चूतो माधुश्चूतो बीराजो नाम का मधुघा अक्षी यमाणाः सदा सस्पातिं पाते गो सदा साहा सदा सस्पातिं मा पाति मद्भूता मद्भूतं पातिं पाति मद्भूतं मा अद्भुतं प्रियं प्रियमद्भुता मद्भुतं प्रियं मा प्रियमिन्द्रस्येन्द्रस्य प्रियं प्रियमिन्द्रस्य इन्द्रस्य काम्यं काम्यमिन्द्रस्येन्द्रस्य काम्यं मा काम्यमिति काम्यं मा सनिं मेधां मेधाग्गुसनिग्गु सनिं मेधां मा मेधामयासिखमया सिखं मेधां मेधामयासिखं मा अयासिखग्गु स्वाहा स्वाहायासिखमया सिखग्गु स्वाहा स्वाहेति स्वाहा हरिः ॐ ॐ देवो प्रदैवो दाशोग्निः देवैन्द्रो नामज्मना अनुमाता रं पृथिवीं विवावृताय तस्थौ नाका श्याशर
चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दो कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम् अम्बयो यन्त्यद्वाभिर्जामयो अध्वरीयतां प्रिञ्चतेर्मधुनापयाः अमूर्या उपसूर्येयाभिर्वासूर्यः सह तानो हिनवन्त्यध्वरम् अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तरविश्वानि भेषजा अग्निञ्च विश्वसम्भुवमापश्च विश्वभेषजी आपप्रीतभेषजं वरूथं तन्वे मम योक्ष सूर्यं दृशे इदमापप्रवाहत यत्किञ्च दुरितं मयि यद्वाहम विदुद्रो यद्वास्येप उता नृहुतम् आपो अद्यान्नवाचारि संरसे न समागस्मये पयस्वानग्न आगोहितं मासं सृजवर्चसा सम्माग्नेवर्चसा स्त्रियसंप्रजया समायुषा विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्या सह ऋषिभिः। ओम। अब सब मिलकर के पुरुष सूक्त सुना दीजिए सात दशेर का पूर्व। हरि ओम शानो जदन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुखः पादोश विशवा भूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदैत् पुरुख पुनः ततो भिगवं व्यकरामस्सासनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुखः स जातो अत्यज्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः तस्माद्यद्यात् सर्वभूतः ृतम्रेकादाज्यम् पशुस्तांशकरे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतारि चाः सामानि जननीरे छन्दागुंसि जननीरे तस्माद्यजुस्तस्माद्दजायत तस्माद्दसवा अजायन्त जे के शोभयादतः गावो हजननीरे तस्माद्दसमाज्जाता अजावयः तञ्जन्यम्बरे किमरोक्षन् पुरुखन् जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्यारिखयश्च ये जत्पुरुखं यदधुः कतिधाभ्य कल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहू किमुरुपाद उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहू राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य
यजदवैश्याः पद्भ्या घुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षो शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान्तथा लोका अकल्पयन् चतुर्गेण हविखा देवा चन्यवतन्वत वसन्तो यासीदाज्यं ऋग्म इदमः शरद्धभिः सप्तस्यासन् परिधय स्त्रीः सप्त समिधः कृताः देवाजर्यन् तन्वाना अवधनान् पुरुखं पशुं वा जनेन जन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त जनरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः बस अपने ब्रह्मणत्व के स्वरूप को जागृत रखिएगा गायत्री का अनुष्ठान त्रिकाल संध्या अभक्ष भोजन का त्याग कुशंग का त्याग तो आपको पता चलेगा आपका स्वरूप क्या है। ब्रह्मणत्व किसी भी तप से नहीं खरीदा जा सकता, ये बहुत कीमती वस्तु है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी आपकी है। संपूर्ण सृष्टि के शांति की जिम्मेवारी ब्रह्मणत्व को है। वो अपने तप बल से मंत्र बल से संपूर्ण जगत को आनंद और शांति प्रदान करते चले आए हैं और करेंगे। आप महान कष्ट में जीवन व्यतीत करते ब्रह्म ऋषि जन और दूसरों को अपने आशीष से वैदिक मंत्रों से सदैव मंगल और सुखी करते चले आए हैं। आपने तपस्वी जीवन कष्टप्रद जीवन और मंत्रमय जीवन और जगत मंगल, तो और कोई साधना करने की जरूरत नहीं, इसी से परम मंगल हो जाता है। हाँ, स्वधर्म का पालन करने से श्री भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान का प्रसन्न होना यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। जो वेद है ये अपौरुषेय स्वयं भगवान है, क्योंकि किसी ने रचना नहीं की, ये भगवान ही स्वयं वेद रूप से प्रकट हुए हैं। आप मानो वेद मंत्र धारण किए मानो भगवान को आप विराजमान किए हैं। तो वैदिक सिद्धांतों का पालन करें, अपने ब्रह्मणत्व की रक्षा करें और हमारे देश का सर्वमंगल इन्हीं मंत्र और तप और जप के द्वारा, मंत्रों के अनुष्ठान के द्वारा। अपना तो मंगल है ही, अपना मंगल, अपने देश का मंगल, अपने समाज का मंगल है। आप आगे बढ़िए, ब्रह्मणत्व को और प्रकाशित की, जितना गायत्री जप करेंगे, जितना संयम से रहेंगे, कुशंग और अभक्षक भोजन का त्याग करेंगे, उतने ही आपका तेज बढ़ेगा, उतने ही आपका मंत्र प्रकाशित होगा। और यही हमें आवश्यकता है, इस समय बहुत जरूरी है। जो अब समय चल रहा है ये बहुत जरूरी, ब्रह्मणत्व की रक्षा करना, ब्रह्म तेज को सुरक्षित रखना, वेद वाक्यों को सुरक्षित रखना। नहीं तो सब अमर्यादित चेष्टा में मन बढ़ता चला जा रहा है, वेद की मर्यादा धर्म की मर्यादा इसको भूले हुए हैं। तो आप आगे बढ़िए, वेद को धारण कीजिए और हमारे समाज को समझाइए। जब आप खुद समझेंगे ना तो आपका प्रभाव समझाएगा। देखो, आपके वचन से समाज का सुधार होगा, आपके मंत्रों से अमंगलों का नाश होगा। आप ये ना समझे, हर समय सतयुग है। यदि हम वेद वाक्यों में तो हर समय सतयुग में है, अगर हमारे आचरण गलत हो गए तो फिर कलयुग है, फिर बात अलग। नहीं, हर समय सतयुग है। हम सत्य विचारों में हैं, वेद सत्य है, भगवत वाक्य सत्य है, महावाक्य सत्य है। अगर हम उनके विचारों में, उनके चिंतन में, उनके स्वाध्याय में, तो हम सतयुग में वास करते हैं। महाराज जी, आपके दीर्घायु के लिए एक मंत्र। अच्छा, बोल दीजिए, कोई बात नहीं। जस्मै चतवा खानाम याहम्मा अतोत्वं दीर्घायुर्भूतवा शतवलेशा वीरो हता।
बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। आपने बड़ी कृपा की, हमें दर्शन दिए, हमें वेद सुनाए, हमें बहुत सुख मिला आपको।